फ्रेंड्स, आई एम रूपा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूपास कॉर्नर में और मीन्स मैं और आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं ये मेकअप लुक आपके साथ शेयर करूंगी जो कि है ऑस्टोमी नाइट मेकअप लुक। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ग्लैम लुक देते हैं। तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ जो रेड कलर वाली सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेस को अच्छे से क्लीन एंड मॉइस्चराइज करने के बाद मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। पूरे फेस पर अच्छे से ब्लेंड करूँगी प्राइमर को। प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पर इनसाइड का प्राइमर लिया है। नेक्स्ट मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। अपनी फिंगर की हेल्प से मैं डॉटिंग मोशन पर पूरे फेस एंड नेक पर फाउंडेशन अप्लाई करके देन एक ब्रश की हेल्प से मैं फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन लिया है। गाइस, मुझे पता है मेरा फेस अभी कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ। अभी अभी बाहर से आकर ही जस्ट मैं वीडियो शूट करने बैठ गई हूँ, तो मेकअप करने के बाद एकदम ठीक हो जाऊँगी। अभी फेस को थोड़ा सा इग्नोर करो, सिर्फ मेकअप पर फोकस करो। नेक्स्ट मैं कॉन्सीलर अप्लाई कर रही हूँ। कॉन्सीलर के लिए मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का कॉन्सीलर लिया है। उसे मैं अपनी अंडर आई पर, अपनी फोरहेड पर, ब्रिज ऑफ द नोज पर, क्यूपिड बो पर, चिन पर, लिप्स के दोनों पास एंड आईलिड पर अप्लाई करके देन कॉन्सीलर ब्रश की हेल्प से मैं कॉन्सीलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। कॉन्सीलर ब्लेंड हो जाने के बाद मैं करूँगी क्रीम कॉन्टोर। उसके लिए मैंने एनओआईवे के जो कॉन्सीलर स्टिक आता है वो मैंने लिया है, जिसका शेड नंबर है टोस्ट। उसे मैं अपनी हॉल ऑफ द चिक्स पर, फोरहेड पर, नोज पर एंड जॉ लाइन पर अप्लाई करके देन कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। देन उसके बाद मैं करूँगी अपने फेस को बेक। उसके लिए मैंने ब्लू हेवन का लूज पाउडर लिया है। जहाँ जहाँ मैंने कॉन्सीलर अप्लाई किया था उसी जगह मैं एक ब्रश की हेल्प से पहले मैं पाउडर को अप्लाई करूँगी एंड देन मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। एंड मेरे जॉ लाइन पे जहाँ पर मैंने क्रीम कॉन्टोर किया था उसके नीचे भी अप्लाई करूँगी ताकि मेरे कॉन्टोर और भी शार्प लुक दे। देन उसी टाइम मैं अपनी ब्राउ को फिल करूँगी। पहले मैं ब्राउ की जो आउटर लाइन है उसे ड्रॉ करके देन मिडिल पोर्शन को फिल करके एक स्पूली की हेल्प से मैं अच्छी तरह से कॉम कर लूँगी ताकि मेरे प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्राउज के लिए मैंने यहाँ पर हिलाडी डोडा की आईब्रो पैलेट लिया है। देन मैं पाउडर को डस्ट अप कर लूँगी एक पाउडर ब्रश की हेल्प से एंड उसी पाउडर से मैं अपने बेस को भी सेट करूँगी। देन करूँगी अभी आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मार्क्स का आई शेडो पैलेट लिया है मैंने। पहले ये वाला शेड को लेकर मैं अपनी क्रीज को डिफाइन करूँगी। देन ये वाला शिमर शेड को लेकर मिडिल आईलिड पर मैं अप्लाई करूँगी एंड लास्ट मैं ये वाला शिमर शेड को लेकर अपनी इनर थर्ड पोर्शन पर अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैंने ये शेड को लेकर अपने लोअर लैश लाइन के नीचे अप्लाई किया है क्योंकि मेरा आउटफिट इस कलर का है। आपका जो जिस कलर की आउटफिट है उस कलर की आप आई शेडो अपने लोअर लैश लाइन के नीचे अप्लाई करो। देन मैं वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ जिसके लिए मैंने एनआईवे के काजल लिया है। देन मैं आई लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ एक लॉन्ग सी विंग बनाते हुए, जिसके लिए मैंने मार्स का आई लाइनर लिया है। एंड देन मैं मास्कारा अप्लाई करूँगी जिसके लिए मैंने मेबलिन का मास्कारा लिया है एंड ऑफ कैमरा मैंने फॉल्सेस भी अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं करूँगी अपनी फेस को पाउडर कॉन्टोर। जहाँ जहाँ मैंने क्रीम कॉन्टोर अप्लाई किया था उसी जगह मैं पाउडर कॉन्टोर कर रही हूँ। देन एक पीची पिंक सा शेड लेकर एज अ ब्लश मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं मेकअप फिक्सर से अपनी बेस को सेट कर रही हूँ, अपनी मेकअप को सेट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ग्लैम 21 का मेकअप फिक्सर लिया है। देन मैं हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ जिसके लिए मैंने मालियो का हाईलाइटर लिया है। हाईलाइटर को मैं अपनी चिक बोन पर, अपनी फोरहेड पर, अपने नोज पर, अपनी क्यूबिड पो पर एंड अपनी चिन पर अप्लाई करूँगी एंड देन उसी हाईलाइटर से अपनी इनर कॉर्नर एंड ब्रा बोन को भी हाईलाइट करूँगी एंड लास्ट मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ जिसके लिए मैंने एडीएस का मैक्मी लिपस्टिक लिया है एंड दैट्स ऑल। सो गाइस, ये है मेरे फाइनल मेकअप लुक। मेकअप लुक अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और उसी के बगल में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।